शहर के राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के मदर एंड चाइल्ड विंग स्थित शिशु वार्ड में देर रात को रोगी परिजन द्वारा ड्यूटी डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी तथा सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर नर्सिंग कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। जानकारी के अनुसार नुंदरी मंदरातार निवासी चैतन्य देवन अपने 13 वर्षीय पुत्र दक्ष की तबियत खराब होने के कारण वह शनिवार देर रात को उसे उपचार के लिए लेकर राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय पहुंचा। इस दौरान चैतन्य के माता पिता भी उसके साथ चिकित्सालय आए थे। इस दौरान दक्ष को सीसीयू वार्ड में उपचार के लिए भर्ती किया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उसे मदर चाइल्ड विंग इससे शिशु वार्ड में रेफर कर दिया। शिशु वार्ड में उपस्थित ड्यूटी डॉक्टर मयंक जैन ने दक्ष की हालत गंभीर होने पर उसका ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वह कम आया, जिस पर डॉक्टर ने उसके ऑक्सीजन लगाकर उसका ब्लड सैंपल लेकर दक्ष के पिता चेतन को ब्लड बैंक में सैंपल देने की बात कही, जिसके बाद चेतन सैंपल लेकर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ही नीचे ड्यूटी पर मेल तथा फीमेल गार्ड ऊपर भागते हुए आए और उन्होंने शिशु वार्ड में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब इस बात की जानकारी शिशु वार्ड में ड्यूटी पर तैनात यूनिट प्रभारी परमेश्वर पारी तथा डॉक्टर मयंक ने चाहे तो उन्होंने कहा कि जिस बच्चे को वार्ड में भर्ती किया है उसके पिता ने हमारे साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की और अब वह ऊपर आ रहा है, जिसके बाद परमेश्वर ने दक्ष के पिता चेतन से बातचीत करने के लिए वार्ड का दरवाजा खोलकर उससे बात करना चाहा। इसी बीच चेतन ने यूनिट प्रभारी परमेश्वर के साथ भी हाथापाई कर दी। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे डॉक्टर मयंक जैन के साथ भी मारपीट कर दी, जिसके बाद चेतन नीचे की ओर भाग गया। इस दौरान जब चिकित्सा कर्मी तथा गार्ड ने उसका पीछा किया तो वह अस्पताल परिसर में अंधेरे की और झाड़ियों के पीछे से फरार हो गया, जिसके बाद नर्सिंग कर्मी परमेश्वर ने उनके साथ हुई घटना की जानकारी तुरंत पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान को दी, साथ ही घटना की सूचना पुलिस को भी दी, जिसके बाद पुलिस भी राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के एमसीएच विंग में पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मारपीट की घटना में डॉक्टर मयंक जैन, नर्सिंग प्रभारी परमेश्वर पारे, गार्ड राहुल पुत्र जसवंत सिंह, करण सिंह, अनिता मैसे था एल्विना को चोटें आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में पड़ताल कर रही है। पीड़ित चिकित्सा कर्मियों के अनुसार आरोपी चेतन देवन शराब के नशे में था। जिस समय चेतन ब्लड बैंक से पुनः बच्चा वार्ड में जा रहा था उस समय सुरक्षा गार्ड बच्चों के वार्ड से पुरुषों को बाहर निकाल रहे थे। इसी कारण से जब वह मुख्य द्वार से भीतर जा रहा था तो मौके पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड ने उसे ऊपर जाने से रोका। यह बात चेतन को नागवार लगी और उसने महिला सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। दक्ष नाम का पेशेंट सीसीयू से यहाँ पे ट्रांसफर किया था पीडीए वार्ड में। उसकी जब चेक किया तब उसकी ऑक्सीजन लेवल डाउन था और वह बच्चा पेल पड़ा हुआ था। उसको अर्जेंट अटेंड किया और उसको बेड पे लेके ऑक्सीजन और प्राथमिक उपचार उसका चालू कर दिया। उसके बाद उस जो सैंपल थे उसका फॉर्म भर के बच्चे के पिताजी दादाजी को दिया और अर्जेंट उसका जो सीबीसी जहाँ थी वो कराने के लिए बोला गया। इसके उपरांत जब फ़ोन पे पता लगा कि नीचे उसके पिताजी द्वारा जो बच्चे एडमिट है उनके पिताजी द्वारा नीचे गार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाथापाई हुई। उसके बाद जब गार्ड और दो फीमेल गार्ड एक मेल गार्ड तीनों ऊपर आए और उन्होंने अपने आप को बचाने की अवस्था में पीडिया वार्ड के अंदर आए और गेट को अंदर से बंद कर लिया। मैं और मेरे साथ जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो नाइट ड्यूटी पे कर रहे थे, हमने उनसे पूछा क्या हुआ। जितने में उसके जो भर्ती है उसके पिताजी आए, वह हम सबका वीडियो बनाने लगे और सबके साथ गाली गलौज करने लगे। मैंने और गेट खोला पीडिया वार्ड का, हमारे साथ नर्सिंग ऑफिसर थे वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे और बदतमीजी करने के बाद उपरांत उन्होंने जब गार्ड के साथ वापस हाथापाई की तो बीच बचाव में हम गार्ड को बचाते हुए हमने उसके साथ रोका तो उन्होंने हमारे साथ भी हाथापाई की, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर को गाल पे। सर जब हमने गेट पर रोका था तब उस बंदे ने कुछ जवाब नहीं दिया, ऊपर चला गया था। उसके बाद में हमने जब हमारे जेंट्स गार्ड की वो बुलाया गया उनको कॉल करके तो हम दोनों को भेजा गया। ऊपर से आते समय उसने जेंट्स गार्ड के सामने बदतमीज बना किया, बाहर मारा उसको। बाद में आते समय वो डंडा लेके आया। जब हम ऊपर गए तब उसने रैम पे हमारे से बदतमीज बना किया, डंडे से मेरे भी मारी है। ऊपर जाके जब हमने छिटकनी बंद करी है गेट की पीड़िया वार्ड की तो वहाँ पे स्टाफ से परमेश्वर जो स्टाफ है हमारे और डॉक्टर साहब है उनके ऊपर भी हाथ उठाया गया। वहाँ पे पुलिस को सूचना करी थी, पुलिस आई जब तक हमने पकड़ रखा था जब तक वो झाड़ियों में जा चुका था। अभी बच्चा वार्ड में लगभग 11:15 बजे बच्चा आया, उसके साथ में उसके दादी दादा और उसके पिताजी थे। हमने उसको ब्लड सैंपल लेके ब्लड की जांच के लिए भेज दिया। उसके बाद में नीचे से 3 गार्ड दौड़ते हुए आए कि इस बच्चे के पिताजी हमारे को मार रहे हैं।
उन्होंने आके बच्चा वार्ड का गेट अंदर से बंद कर लिया। मैंने कहा क्या बात है, बात करने के लिए गेट खोला, वो अंदर आया, उसने आते ही मेरे साथ में भी हाथापाई शुरू कर दी। उसके जस्ट बाद में मैंने पीएमओ साहब को और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिशियन को भी सूचना दे दी और उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। हमारे यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर मयंक जैन अवेलेबल थे, उन्होंने बच्चे को अटेंड किया, बच्चे को हमने ट्रीटमेंट दिया। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद में उसका फादर है जो कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल के नशे में था और उस दौरान उसने सभी के साथ में मारपीट की। बीच बचाव वह गार्ड के साथ में मारपीट कर रहा था, बीच बचाव हमने किया, उसने मेरे साथ में भी मारपीट की है और डॉक्टर साहब के साथ में भी उसने मारपीट की है। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शहर का पहला एकमात्र NABH हॉस्पिटल, जहां आपको पथरी के समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन से बच्चेदानी का ऑपरेशन, बिना चीरे की आधुनिक मशीनों द्वारा फ्रैक्चर का ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स, पायल्स के ऑपरेशन बिना चीरफाड़ दूरबीन के द्वारा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं RGHS के तहत निःशुल्क इलाज के लिए अधिकृत, जिसमें प्रोस्टेट का ऑपरेशन, पथरी का, ब्लैडर, CRA मशीन द्वारा फ्रैक्चर के ऑपरेशन, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन, चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। OPD में फिजिशियन, जनरल सर्जन, अस्थि रोग शिशु रोग विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग स्थि रोग विशेषज्ञ और डायलिसिस की तमाम सुविधा के साथ इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में डिलीवरी होने पर जन्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण महिला को 1400 रुपए, वैशाली महिला को 1000 रुपए का लाभ, 24 घंटे आपातकालीन सुविधा के साथ। आनंद हॉस्पिटल, जालिया रोड, गोविंदपुरा, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9269625000।